Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well and fit and fine. Okay. So let's continue our studies. Please take out your books. So students, open page number 12. अवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ डिफरेंट वेज ऑफ चिपिंग स्टोन. यहाँ पर अलग अलग तरीके होते थे एक स्टोन को चिप करने के. ठीक है, जो फर्स्ट होता था उसको हम कहते थे हैमरिंग स्टोन. इस टेक्निक में एक हैवी स्टोन लिया जाता था, वॉज यूज टू स्ट्राइक फ्लेक्स ऑफ अनदर स्टोन हेल्ड इन अदर हैंड. ठीक है, इसमें क्या करा जाता था, दो स्टोन लिए जाते थे, एक को एक हाथ में पकड़ा जाता था, दूसरे को दूसरे हाथ में, जो फिर उसमें क्या किया जाता था, एक एक उसके ऊपर स्टोन के ऊपर फ्लैग दिए जाते थे, उसको मारा जाता था और उसके ऊपर एक रिक्वायर्ड शेप उसके ऊपर बनाई जाती थी. आप देख सकते हैं हैमरिंग स्टोन, ये देखिए, दिस इज़ वन इज़ हैमरिंग स्टोन. इसने एक हाथ में स्टोन पकड़ा हुआ है दूसरे हाथ में, और जो फर्स्ट इधर वाले हैंड का स्टोन से वो दूसरे वाले स्टोन को रिक्वायर्ड शेप प्रोवाइड कर रहे हैं. द सेकेंड टेक्निक इज़ प्रेशर फ्लैकिंग. इन दिस मैथड अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ स्टोन वॉज डिटैच फ्रॉम अ लार्जन वन बाय अप्लाइंग प्रेशर. और इस स्टोन में क्या किया जाता था, एक बड़े स्टोन में से छोटा स्टोन निकाला जाता था उसके ऊपर प्रेशर दे के, जैसे ये री प्रेशर फ्लैकिंग, ये री. ठीक है, नाउ डायरेक्ट मैथड और हैमरिंग. इन दिस मैथड अ पेबल और अ पीस ऑफ बॉन और वुड वॉज यूज एज ए हैमर टू चिप ऑफ पीसेस फ्रॉम ए सॉफ्टर पेबल और ए चंक ऑफ स्टोन. इस मेथड में क्या किया जाता था, एक पेबल या फिर एक पीस लिया जाता था बोन का या वुड का, वॉज यूज एज ए हैमर, जिसको किस तरीके से यूज किया जाता था, एज ए हैमर, हथौड़े की तरीके से, टू चिप ऑफ पीसेस, ताकि वो एक स्टोन के चंक को चिप कर सके अपनी रिक्वायर्ड शेप में. दूसरा था प्रेशर फ्लैकिंग. इस मेथड में क्या यूज़ किए जाते थे, वॉज यूज शेप टूल्स फ्रॉम फ्लैक्स. जो भी फ्लैक्स के द्वारा हमने शेप टूल्स बनाए वो यूज़ किए जाते थे. द फ्लैग टू बी शेप्ड वॉज प्लेस्ड ऑन ए हार्ड सरफेस. जो फ्लैग है टू बी शेप्ड, जिसको हमें शेप देना है, उसको हम किस पे रखते थे, एक हार्ड सरफेस पे रखते थे. लॉन्ग पॉइंटेड पीस ऑफ बोन और वुड लाइक ए चीजल वॉज देन प्लेस्ड ऑन हार्ड सरफेस एंड हैमर्ड विद अनदर पीस ऑफ बोन और वुड और स्टोन. मतलब एक स्टोन पे रख देते थे एक को, और फिर दूसरे स्टोन से मारते थे ताकि उसको एक डिजायर्ड शेप दे सके. नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज विविड एंड ब्यूटिफुल केव पेंटिंग बिगिन टू अपियर. जैसे जैसे ओल्ड स्टोन एज आती गई, विविड और ब्यूटिफुल केव पेंटिंग यहाँ पर अपियर होती गई बहुत सारी साइट्स में, जैसे कि अल्टीमीरा जो स्पेन में है, लॉक्सकॉस जो कि फ्रेंच में है. ठीक है, इन इंडिया मोर देन 450 पेंटेड रॉक शेल्टर्स रेंजिंग फ्रॉम द पैलियोथिक टू मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन भीमबेटका. मतलब 450 से ज़्यादा पेंटेड रॉक जो है यहाँ पर हमको मिली. ठीक है, और भीमबेटका कहाँ है, भोपाल जो मध्य प्रदेश में है उससे 45 किलोमीटर दूर है. द पेंटिंग डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ ऑफ मैन. जो ये पेंटिंग्स है वो क्या सीन डिपिक्ट करती है कि एवरीडे लाइफ में मैन क्या करता था, जैसे कि हंटिंग, राइडिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स, वीमेन ग्राइडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड ऑफ चिल्ड्रन, रनिंग एंड जंपिंग. ठीक है, जो मैन था वो क्या करता था, हंटिंग राइडिंग करता था, वीमेन क्या करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी या फिर फूड प्रिपेयर कर रही है, चिल्ड्रन रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो इन सब की पेंटिंग वहाँ हुआ करती थी. अपार्ट फ्रॉम दीज पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाइंड. और इसके अलावा एनिमल्स की पेंटिंग भी हमें वहाँ देखने को मिली. द कलर्स जो यूज़ किए जाते थे इस पेंटिंग में थे रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज. ऑकरे कलर कौन सा होता है, रेडिश येलो कलर को ऑकरे कलर बोलते हैं. ठीक है, पेंट्स वर परहैप्स मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स. जो पेंट्स है वो कैसे बनाए जाते थे, शायद ऐसे बनाए जाते होंगे कि बहुत सारी रॉक्स को वो ग्राइंड करते थे, पीस लेते थे. ठीक है, मिनरल्स को मिक्स करते थे उसमें एंड वाटर को मिक्स करते थे और कुछ स्टिकी सब्सटेंस को मिक्स करते थे जो कि किसी पर्टिकुलर ट्री में से निकलता है. ठीक है, उसको मिलाकर ये पेंट्स बनाते थे. डिस्कवरी ऑफ फायर. द रिमेन ऑफ एशेज एट सम
पैलियोलिथिक साइट्स लेड टू द कंक्लूजन दैट द फायर वॉज नोन टू बी पैलियोलिथिक मैन. कुछ एशेज जो हैं पैलियोलिथिक साइट्स पे हमें मिले, एशेज यानी जो जलने के बाद रह जाते हैं, वैसे वो एशेज जो हमें कुछ पैलियोलिथिक साइट्स पे मिले, और इससे हम ये कंक्लूड कर पाए जो फायर है वो किसने डिस्कवर करी थी, पैलियोलिथिक मैन ने. प्रोबेबली द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज एक्सीडेंटल. हो सकता है कि जो डिस्कवरी है फायर की वो एक्सीडेंटल हो. पॉसिबली मैन फर्स्ट सॉ फायर व्हेन लाइटनिंग स्टक ट्रीज, और ही माइट हैव डिस्कवर इट वाइल रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन और वुड टुगेदर. मैन ने हो सकता है जब फायर डिस्कवर की जब वो दो स्टोन को एक साथ रब कर रहा था. ग्रेजुअली मैन लर्नड वेरियस यूजेज ऑफ फायर. धीरे धीरे मैन को बहुत सारे यूजेज फायर के पता चले, जैसे कि फायर जो है उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकती थी. इट कुड कीप हिम हार्म बाय प्रोवाइडिंग हीट एंड लाइट. सर्दियों के टाइम पे वार्म्थ प्रोवाइड कर सकती थी. फूड को कुक करने में वो हेल्प कर सकती थी. इट कुड हेल्प हिम टू लाइट अप द डार्क केव्स, और जो डार्क केव्स होती थी, गुफाएं होती थी, उसको भी लाइट अप करने में वो हेल्प कर सकती थी. नाउ इन्वेंशन ऑफ व्हील्स. द व्हील वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज. ऑफकोर्स व्हील एक बहुत अच्छा इन्वेंशन है. दो अर्ली व्हील्स वर नॉट दैट स्मूथ एंड टेक्निकली सर्कुलर. जो पुराने व्हील्स थे वो इतने स्मूथ और इतने सर्कुलर नहीं हुआ करते थे जितने कि आज के हुआ करते हैं. स्टिल वो बहुत यूजफुल प्रूव्ड हुए. दे वर मेड आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स, और वो किसके बनाए जाते थे, जो ट्री की ट्रंक्स होती थी उसके वो बनाए जाते थे. ठीक है, इसमें पैलियोलिथिक साइट्स दे रखी आपको, बिम्बेट का, मिर्जापुर, भौरी, सुंगाई, बेचबल वैली, कुर्नूल केव्स, ये सब आपको पैथियोलिथिक, मैसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैलियोथिक साइट्स आपको गिवन है. आप सब इनको रीड कर लीजिएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैसोलिथिक एज. दिस पीरियड लास्ट फ्रॉम अबाउट 12,000 टिल अराउंड 10,000 ईयर्स एगो. ये पीरियड इस बीच में चला. This was a period of transition between the Paleolithic age and the Neolithic age. ठीक है, in India Mesolithic. अच्छा, अब Neolithic age क्या होती है? New age stone. और Mesolithic middle age stone. ठीक है, in India Mesolithic remain have been found at various sites. जो Mesolithic है वो बहुत सारी sites में हमको मिली. ये मैसोलिथिक जो पीरियड था वो ओल्ड स्टोन और न्यू स्टोन के बीच का पीरियड था. ठीक है, इंक्लूडिंग मानकी इन कर्नाटका, बागौर इन राजस्थान, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, ये सब ये साइट्स हुआ करती थी मैसोलिथिक एज की. आवर नॉलेज अबाउट द लाइफ ऑफ द मैसोलिथिक मैन इन इंडिया हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम थ्री टाइप ऑफ सोर्सेज. हमारी नॉलेज जो है मैसोलिथिक मैन की वो इंडिया में डिराइव हुई तीन सोर्सेज से, टूल्स, बोरियल्स, केव्स एंड रॉक पेंटिंग्स. ठीक है, टूल्स क्या होते हैं? स्टोन टूल ऑफ दिस पीरियड वर माइक्रोलिथ्स. माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? स्मॉल शार्प टूल्स दैट ह्यूमंस मेड इन मैसोलिथिक एज. एक शार्प टूल्स होते हैं जो कि मैसोलिथिक एज में पीपल्स बनाया करते थे. दे वर यूजुअली स्मॉल स्टोन टूल्स लाइक ब्लेड्स रेंजिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर लेंथ. ब्लेड्स होती थी जिसकी लेंथ कितनी होती थी, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच. Some of them were fixed on bones or wood as used as spears, saw, knives and arrows. और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता था? Spears, saws, knives and arrows की तरह उनको यूज़ किया जाता था. These tools were sharper than the earlier period. ये जो tools थे वो पहले के period से ज़्यादा sharp थे and improved the efficiency of early man. और इन्होंने early man की efficiency को improve कर दिया था. Now, domestication of plants and animal. Domestication began in the Mesolithic age when man learned to grow crops and tame animals. Tame to make fit for living with humans. ठीक है, domestication जब start हुआ, जब man ने crops को grow करना सीखा and animals को tame करना सीखा, मतलब उनको इस तरीके से use लिया ताकि वो हमारे काम आ सके, उनको हमारे living के लिए fit बनाया. दे पॉसिबली डिस्कवर द वैल्यू ऑफ सीड ऑफ सर्टेन ग्रासेस जैसे कि बार्ले और वीट. उन्होंने डिस्कवर किया कि इनके सीड्स की कितनी वैल्यू है, जो ये ग्रासेस उगती हैं इनके सीड्स की कितनी वैल्यू है, जैसे कि बार्ले हो गया, वीट हो गया. मैन माइट हैव देन एक्सपेरिमेंटेड बाई ड्रॉपिंग दिस सीड इन टू द सॉइल.
फिर हो सकता है मैंने कैसे क्रॉप उगाना स्टार्ट किया कि उन्होंने सीड को ऐसे ही मिट्टी में डाल दिया इनटू द सॉइल एट सर्टेन प्लेसेस, मतलब डाल दिया फिर उन्होंने देखा कि इसमें तो क्रॉप्स ग्रो हो गई। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय ह्यूमन, डॉग जो था फर्स्ट एनिमल था जिसको ह्यूमन ने अपने यूज़ में लिया था। इट वॉज़ यूज फॉर हंटिंग एंड गार्डिंग पीपल अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल, ये किस लिए यूज़ किया जाता था, हंटिंग के लिए और पीपल को गाइड कर मतलब गार्डिंग मतलब गार्ड प्रोवाइड मतलब एज ए गार्ड ये उसको यूज़ करते थे। ओके स्टूडेंट, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड दिस केस स्टडी योर सेल्फ। ओके, वी विल मीट टुमारो।